सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा 4 मार्च को जिला मुख्यालय धर्मशाला में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे। प्रेस वार्ता में एबीवीपी के विभाग संयोजक शिवेंद्र सैनी ने कहा कि वर्ष 2009 से सीयू की अस्थायी कक्षाएं चल रही है, जिसके स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा जिला मुख्यालय धर्मशाला में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में एबीवीपी के विभाग संयोजक शिवेंद्र सैनी ने कहा कि वर्ष 2009 से सीयू की अस्थायी कक्षाएं चल रही हैं, जिसके स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। स्टूडेंट्स मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गत वर्ष तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्थानीय सांसद और सीएम की मौजूदगी में धर्मशाला और देहरा में सीयू का शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक एक भी ईंट निर्माण के नाम पर नहीं लगी है, जो कि सीयू स्टूडेंट्स के साथ सरासर खिलवाड़ है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी जिला स्तर पर विशाल रैली का आयोजन करेगी, जिसमें जिला भर से हजारों स्टूडेंट्स भाग लेंगे। देखिए जी, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2009 से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी रूप से कक्षाएं लग रही हैं, आज वर्ष 2020 हो गए, 11 वर्ष हो गए, यहाँ पर अभी तक उसका स्थायी भवन का निर्माण नहीं किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने और यहाँ के सांसद, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने धर्मशाला में और देहरा में जाकर शिलान्यास किया, और एक वर्ष हो गया वहाँ पर, अभी तक भी वहाँ पर कोई भी ईंट नहीं रखी गई है, वो कि मतलब कि सरासर वहाँ के यहाँ के छात्रों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती, विद्यार्थी परिषद चाहती है कि ये जल्द से जल्द भवन का निर्माण, की अस्थायी भवन का निर्माण किया जाए, चाहे और यहाँ के छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगर विद्यार्थी परिषद का, अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 मार्च 2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला स्तर पर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।